अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब क्या अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, चैनल वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इंस्टा पर फॉलो किया करें। लाइसोसोम्स अब है क्या? डाइजेशन एंड द डिग्रेडेशन, मीन्स दे हैव द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जस्ट आपने अगर इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि जो लाइसोसोम्स हैं दे आर जस्ट लाइक वेसिकल्स, ठीक है, सिर्फ वेसिकल्स हैं, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स नहीं है। दे आर जस्ट मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, ठीक है, स्फेरिकल ऑर्गनल्स दैट कंटेन द एंजाइम्स कॉल द एसिड हाइड्रोलिसिस। मींस कि इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स विच इज द फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लाइसो डिजोल्विंग प्लस सोमा, मीन्स द बॉडी, यानी डिजोल्विंग बॉडी, जो बॉडी डिजोल्व कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है। मेम्ब्रेनस बाउंड स्फेरिकल ऑर्गनल्स दैट कंटेन द एसिड हाइड्रोलिस, जिसमें एसिड हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है विच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये इनकी क्या क्वालिटी है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स अंडर एसिडिक कंडीशंस, ठीक है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इसकी ये एक करेक्टरिस्टिक है कि ये एसिडिक कंडीशन में ये काम करते हैं, मीन्स वेरी वेरी लो पीएच होगी तो फिर ये अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। द एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स पहले बनते हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द गोल्जी अपरेटस एंड फॉर द प्रोसेसिंग, एंड देन सिक्रेटेड बाय द गोल्जी अपरेटस टू द फॉर्म ऑफ द लाइसोसोम्स और द वेसिकल्स दैट दे विद द दे हैव फ्यूज विद द लाइसोसोम्स। अब देखें क्या था, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन वेसिकल्स को, इन एंजाइम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस किया गया, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया गया टू दी गोल्जी अपरेटस। उसके बाद हमने गोल्जी अपरेटस का सारा फंक्शन पढ़ा लास्ट टाइम, उसमें किस तरह से है कि उसने सॉर्टिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो बाहर आ सकें और महफूज भी रह सकें, ठीक है, सेफ रहेंगे। तो फिर जब गोल्जी अपरेटस ने बनाया है उनको इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, अब ये ऐसे वेसिकल्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो उन एंजाइम्स को कवर किया इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, उसको नाम क्या दे दिया है, लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स फ्यूज विद फाइगोसेटिक वेसिकल्स, लाइसोसोम्स जो है इन वेसिकल्स के साथ फ्यूज करते हैं, दस एक्सपोजिंग द वेसिकल्स कंटेंट्स टू द लाइसोसोम एंजाइम्स। फिर उससे क्या होता है, जो भी फैगोसाइटिक वेसिकल हमने पढ़ा ना, जो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, तो वो जो वेसिकल बन रहे थे फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से, उन वेसिकल्स को फ्यूज किया जाएगा लाइसोसोम्स के साथ, और लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। अब इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, डाइजेशन। अब जब ये कॉन्टेंट अपना रिलीज करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स या लाइसोसोम्स, तो जो हमारे पास फैगोसाइटिक वेसिकल्स थे, फैगोसाइटिक वेसिकल्स की डाइजेशन हो गई, उसमें जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, ठीक है। बात की समझ आई है, किस तरह मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, ईआर से आपने चलना है, गोल्जी अपरेटस और फिर लाइसोसोम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम ये देख लें इनकी फिगर, आप देखें लेफ्ट साइड पे किस तरह से है कि लाइसोसोम्स जो हैं वो यानी क्या होता है, सबसे पहले दे हैव द फैगोसाइटिक वेसिकल्स, ठीक है, दे मटेरियल फैगोसाइटोस्ट वेसिकल। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसोसोम्स इंगल्फिंग द डैमेज्ड ऑर्गनल्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये देखें सबसे पहले क्या है, जो कुछ ऑर्गनल जाहिर है एक चीज़ बन रही है सेल में, कहीं पर भी इट्स कॉमन फिनोमिना, कहीं पर अगर कोई चीज़ बन रही है तो विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, इट हैज़ टू बी डिजॉल्व, इट हैज़ टू बी फिनिश, और यू नो उसको खत्म होना ही होना है, ठीक है। एक दफ़ा वो बनेगी, फिर उसको एक टाइम पीरियड पास करने के बाद उसको खत्म होना है, उसके बाद फिर दोबारा बनेगी, ठीक है। तो अब ऑर्गनल्स भी अगर बनती जा रही हैं तो उन ऑर्गनल्स को भी एक दफ़ा बनना है, उसके बाद उसका जो फंक्शन हो गया है, काम हो गया, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड उन्होंने गुजारा, उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन कर दी जाएगी। तो फिर ये लाइसोसोम क्या करते हैं, जो इस तरह की ऑर्गनल्स होती हैं जो डैमेज हो गई हैं, जो ख़राब हैं, उनका काम नहीं है, वो काम नहीं कर सकती हैं, उनको क्या करता है, उनको भी इंगल्फ करता है। जब उनको भी इंगल्फ कर लेगा, उनकी ब्रेक डाउन करेगा, जो भी उसमें मटेरियल जो है ब्रेक डाउन के बाद बनते हैं उन मटेरियल्स को फिर रिलीज कर दिया जाएगा सेल में, और उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। उसके अलावा लाइसोसोम डाइजेस्टिंग द फैगोसाइटोसाइज्ड मटीरियल्स, यानी जो भी फैगोसाइटोसाइज्ड मटीरियल है फैगोसाइटोसिस के जरिए
सेल के अंदर लाया गया है, उस मटेरियल को भी लाइसोसोम ही इनगल्फ करते हैं और उसकी क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले इधर वाली ये लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये ऑर्गेनल थी, वो डैमेज हो गई है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसके इनगल्फ है लाइसोसोम मटेरियल के, वो अंदर चली गई है अब, ठीक है। जब उसके अंदर गई है तो फिर उसके यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया और उसको पर्पसेस के लिए जो वो यूज़ कर लिया जाएगा। और उसके अलावा जो इधर अगर आप देखें, इधर देखें, ये फैगोसाइटोसिस मटेरियल के जरिए एक फूड जो है वो सेल के अंदर आई है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल विद इंजाइम्स, ठीक है। जो वेसिकल थे इंजाइम के साथ, वो वेसिकल यहाँ पे आ रहे हैं, उसके साथ उसकी फ्यूजन हो गया, अंदर चला गया। अब वो लाइसोसोम के अंदर जब फैगोसाइटोसिस मटेरियल गया तो लाइसोसोम ने अपनी क्या की है, एक्टिविटी परफॉर्म की है। ये देखें, ये वाला जो मटेरियल था ना लाइसोसोम, ये इसके साथ फ्यूज कर रहा है, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पे इसकी शेप में चेंज आया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, इसने ये जो मटेरियल फूड था, फैगोसाइटोस था, सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट था, ये ऐसे ही है ना फैगोसाइटोसोम, तो उसकी उसने ब्रेक डाउन की है। जब उसको ब्रेक डाउन किया तो ये देखें, इस तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके बन गए और उसको फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या किसी भी मटेरियल के साथ उसको रिलीज डाउन कर दिया जाता है, वो जहाँ पे भी उसका फिर यूज होता है उसको। ये वो एक्टिविटी है जो हमने फैगोसाइटोसोम पहले पढ़ा था टर्म, ये वो है, ठीक है। तो ये है लाइसोसोम, किस तरह से लाइसोसोम काम करते हैं उनका। अच्छा, अब आपने ये देख लिया कि किस तरह से लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम का प्रोसेस किस तरह वो परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शन। नेक्स्ट ये है माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज दी पावर हाउस ऑफ दी सेल। पावर हाउस, पावर जनरेटर्स मीन्स जहाँ पे एनर्जी बनेगी, पावर को प्रोड्यूस किया जाएगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, माइटोक्रॉन आर द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। इट इज वेरी फैसिनेटिंग ऑर्गेनल, बड़ा प्यारा उसका स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल दैट हैज द स्फेरिकल टू द एलोंगेट इन द शेप। स्फेरिकल भी हो सकता है, एलोंगेट भी हो सकता है, पूरी उसकी शेप एक रेंज है, ठीक है। स्मॉल स्पेस सेपरेटेड थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन। इसकी डबल मेम्ब्रेन है तो स्मॉल स्पेस दरमियान में होती है, आउटर इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में। एंड इन द इन दिस द इनर मेम्ब्रेन दैट फॉल्स एंड इट प्रोड्यूसेस द डबल मेम्ब्रेन ऑन द इटसेल्फ टू फॉर्म द इनकम्प्लीट इन्वेजिनेशंस और द पार्टीशंस दैट कॉल द क्रिस्टी। देखें, वो टाइम आ गई जो मैं आपको करती, मैं आपको बाद में बताऊंगी। सिस्टर्नी आर द फोल्डिंग्स और द इमेजिनेशन ऑफ द गॉल्जी अपरेटस एंड क्रिस्टी इज द फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है। जब इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करती है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी कहते हैं, इसका सिंगुलर इज द क्रिस्टा, ठीक है। एंड द क्रिस्टी इज विच इज एक्चुअली पार्टीशन है, लेकिन ये कंप्लीट पार्टीशन नहीं होती। इज इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसे आपको पहले भी बताया था कि सरफेस एरिया का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतने ही केमिकल रिएक्शंस, एंजाइम एक्टिविटीज जो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म की जा सकती हैं। सो इट कैन ट्रैप द जो मॉलिक्यूल्स एंड देन दे इनेबल द यूजेबल एनर्जी फॉर द सेल, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करके केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करके एनर्जी की प्रोडक्शन की जाती है। एंड द स्पेस बिटवीन द क्रिस्टी इज सी इज लाइक मटीरियलिस्टिक इज ए स्पेस बिटवीन विच हेल्प्स यू नो इट्स लाइक कॉल्ड मैट्रिक्स। सो द मैट्रिक्स कंटेन द राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए एंड द अदर मटेरियल्स, उसमें जो भी प्रेजेंट है मैट्रिक्स में राइबोसोम्स हैं, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। डीएनए इसका अपना होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है बिकॉज दे कन्वर्ट द एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म, ठीक है, जिस फॉर्म में हम उसको यूज कर सके, सेल यूज कर सके। एंड द माइटोकॉन्ड्रिया आर द फ्रीक्वेंटली कॉल्ड द पावर हाउस और द पावर जनरेटर्स ऑफ द सेल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली मल्टीप्लाई व्हेन सेल टेंड्स टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। जैसे ही ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है सेल को, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपनी डुप्लीकेशन है, रेप्लिकेशन करता है, डिवाइड करता है, मोर जो है वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन की जाती है ताकि सेल ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल सा है कि स्फेरिकल और द लॉन्ग आप इसको शेप कह सकते हैं, और उसके अंदर इसकी डबल मेम्ब्रेन है। इसको देखें यहाँ से किस तरह से डबल मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो ये फोल्डिंग्स बना रही है अंदर वाली साइड पे, और जो आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे देखें गौर से कि आउटर जो है वो स्मूथ है, जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे अंदर इनसाइड फोल्डिंग्स है, ये पार्टीशंस बनाएगी, लेकिन वो फुल पार्टीशंस नहीं होती। देखें यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट तो पार्टीशन नहीं है ना, एक साइड से वो फोल्ड कर रही है इनसाइड और वहाँ पे स्पेस को छोड़ रही है। मैट्रिक्स क्या होता है, जो दोनों के दरमियान में स्पेस होती है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। बाकी उसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दी, जो फोल्डिंग्स हैं इनको क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन इस साइड से भी आप देख सकते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का फुल स्ट्रक्चर। आई होप के लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ईजी भी होगा, इट्स वेरी सिंपल।
ये जो इस लेवल पे है ना जुआलॉजी में के ऑर्गनल्स और कुछ भी आप, ये बहुत सिंपल फॉर्म में, अगर आप 9th 10th और फर्स्ट या सेकेंड ईयर की बायोलॉजी देखें ना, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं उसमें, ठीक है। सो ये है आज का टॉपिक, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर कमेंट किया करें, इंस्टा पे पूछ लिया करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।